इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब हम शुरू कर रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, अब की बार किसकी सरकार। हमारी नजर रहेगी उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन बड़ी खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। तो बिना देर किए सबसे पहले बताते हैं आज की तीन बड़ी खबरें कौन सी हैं जिस पर आज हमारी रहने वाली है नजर। तो पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी हां, उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला योजना का आगाज, ये देखिए ये दूसरा आगाज है और ये 2022 के चुनावों से पहले का आगाज है। इसका वोट कनेक्शन हम आपको बताएंगे। 2017 की तरह 2022 में भी सिलेंडर से क्या लखनऊ तक का रास्ता बीजेपी के लिए होगा साफ, आपको बताएंगे इस खबर में। और आज की दूसरी बड़ी खबर, ओबीसी बिल का दाम बदलेगा यूपी चुनाव। जी हां, 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे बड़ी जंग है ओबीसी वोट की। लोकसभा में ओबीसी संविधान संशोधन बिल के जरिए क्या बीजेपी एक नया प्लान तैयार कर रही है और क्या इस प्लान का फायदा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसे भी हम आपको समझाएंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली दरबार में कैप्टन अमरिंदर की हाजिरी। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू की बतौर प्रदेश अध्यक्ष ताजपोशी के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है और इस दौरान क्या बातें होंगी, क्या रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा, क्या कैबिनेट रीशफल की चर्चा होगी और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या कैप्टन अमरिंदर खुद आला कमान के सामने अपनी हैसियत और अपनी ताकत का आकलन भी करने वाले हैं, ये खबर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां पर 2022 का कनेक्शन कैसे ये होगा वो हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण रिपोर्ट भी इस बीच तैयार हो गई है। यूपी विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण रिपोर्ट तैयार की है और करीब 260 पन्ने की ये रिपोर्ट है, जिसमें करीब 9,500 से भी ज्यादा लोगों की राय आई है और विधि आयोग जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट देने वाला है। इस रिपोर्ट में दो से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी नहीं देने से लेकर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का भी जिक्र है। अगर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण रिपोर्ट लागू हुई तो दो से अधिक पैदा करने वाले बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों के लिए भी संकट आ जाएगा, आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दो से अधिक बच्चे वालों को 77 सरकारी नौकरियों का भी फायदा नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, चुनाव में रोक का जिक्र, चुनाव लड़ने पर पाबंदी होगी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इस आयोग ने रिपोर्ट में क्या क्या बातें शामिल की गई हैं वो हम आपको पहले ही ड्राफ्ट के जरिए बता चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़े हैं, हम उनसे भी राय लेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें, दो से ज्यादा बच्चे होने पर कई सारी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं वो वापस ले ली जाएंगी। वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी हो जाएगी। और अभी फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि 2022 के लिए अपनी पूरी जी जान लगा चुके हैं और आज महोबा से उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। तो एक साथ बहुत सारे फ्रंट पर काम किया जा रहा है। लेकिन अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 260 पन्ने की रिपोर्ट की तस्वीर है। पॉपुलेशन कंट्रोल का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ये विधि आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया, अब इस पर लोगों से सुझाव लेने के बाद अब रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राफ्ट लेकर आए। हालांकि कई लोगों ने इस पर आरोप भी लगाया कि ये एक राजनीति का जरिया है, ये पॉलिटिकल किट के तौर पर, टूल के तौर पर इसे बीजेपी अपनाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बयान भी हमने आपको सुनाए। लेकिन अगर इसका बॉर्डर पर्सपेक्टिव आप समझेंगे तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जितनी जनसंख्या में कमी आएगी उतने ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा और यही उत्तर प्रदेश सरकार सोच रही है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं। रुचि, इस रिपोर्ट में पहले तो बताएं कि क्या क्या बातें लिखी गई हैं।
देखिए, ऐसा है कि ये रिपोर्ट लॉ कमीशन ने तैयार की है और मुख्यमंत्री का टाइम का इंतजार है लॉ कमीशन को। जैसे ही मुख्यमंत्री का टाइम मिलेगा ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। मोटे तौर पे इसमें ये कहा गया है कि जो सरकारी नौकरी है और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हीं को सिर्फ दिया जाए जिनके दो बच्चे हों या दो से कम बच्चे हों। तो बड़ी बात यह है कि क्योंकि लॉ कमीशन का कहना है कि हमने बहुत सारे स्टेट्स में जो जनसंख्या पॉलिसी है उसका अध्ययन किया है और उसके बाद ये पाया है कि अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसी के तहत ये पूरी ड्राफ्ट किया गया है कि सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जिसके दो या दो से कम बच्चे होंगे। ये बात ठीक है रुचि, लेकिन क्या आप ये बता पाएंगे दर्शकों को कि अभी तक आपके फोर्सेस क्या कह रहे हैं? ड्राफ्ट बन गया, ड्राफ्ट के ऊपर लोगों के सुझाव भी आ गए, रिपोर्ट भी तैयार हो गई। अब इस रिपोर्ट पर क्या विपक्ष के दलों की भी राय ली जाएगी या फिर रिपोर्ट के आधार पर ही ड्राफ्ट तैयार ही है, इसे लागू कर दिया जाएगा? देखिए, लॉ कमीशन ने इसको अपनी साइट पे डाल दिया था और ये जनता से इसमें राय मांगी थी कि अगर जनता को इस पे आपत्ति है या जनता इसमें कोई और पॉइंट जुड़वाना चाहती है या कोई पॉइंट हटवाना चाहती है तो वो अपनी राय लॉ कमीशन की साइट पे जाकर या लॉ कमीशन में जाकर दे सकती है। तो ये जो जनता के लिए था ये ऑपोजिशन पार्टी के लिए भी ओपन था, वो भी अपनी सलाह इसमें दे सकते थे। अब जितनी सलाह आई है उसको मानते हुए ये रिपोर्ट तैयार हो गई है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब ये ड्राफ्ट सरकार को दिया जाएगा। अब सरकार का जो कानून विभाग है वो इसको देखेगा और उसके बाद अगर सरकार चाहेगी तो वो कानून बना सकती है। उसके बाद ये विधानसभा में आएगा जहाँ पे इस पे बहस होगी। बिल्कुल रुचि, आप बने रहिएगा। आगे भी एक और बड़ी खबर है जिस पर हम आपकी राय लेंगे। मोदी सरकार के बड़े मास्टर स्ट्रोक उज्ज्वला योजना की बात हम करेंगे जिसका पार्ट टू आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला पार्ट टू का आगाज करने वाले हैं। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला योजना की शुरुआत करने वाले हैं। गरीब महिलाओं को 1 करोड़ फ्री गैस का कनेक्शन देने का लक्ष्य है। कनेक्शन के साथ ही चूल्हा और पहले के सिलेंडर पर भी इसे मुफ्त दिया जाएगा। तो आप ये देखिए, ये सीधा सीधा उत्तर प्रदेश की जो आधी आबादी, जो महिलाओं की आबादी है उसे, उसके साथ ये जुड़ने का एक बड़ा कनेक्शन का ये जरिया है। पीएम मोदी की ये उज्ज्वला योजना और इसका वोट कनेक्शन क्या है ये भी अब हम आपको समझाते हैं। योजना का जो पहला चरण है वो उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुआ, तो दूसरे चरण की शुरुआत अब महोबा से हो रही है। आपको ध्यान होगा जब पहला चरण शुरू हुआ था वो 2016 में हुआ था और 2017 के जब चुनाव आए थे तो 2017 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार मिली थी। वो संख्या भी आपको याद दिला देते हैं, 312 की संख्या थी। 312 यानी बहुमत के आंकड़े के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई और अब 2022 में दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, महोबा से हो रही है जो कि बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके में से एक आता है। और ऐसे में अब जब दूसरे चरण की शुरुआत भी 2022 के चुनाव से पहले हो रही है तो ये जरूर हो सकता है कि 325 प्लस का टारगेट जो बीजेपी लेकर चल रही है इसके लिए ये एक फायदे का सौदा साबित हो। अब उज्ज्वला योजना पार्ट टू आखिर है क्या और इसमें क्या बदला है ये आपको बताते हैं। पहली स्कीम 1 मई 2016 से शुरू हुई तो आज से दूसरा चरण इसका शुरू हो गया है। 1 मई के बाद अब आज की तारीख हम बता देखिए, उत्तर प्रदेश के महोबा से इसका उद्घाटन हो रहा है और इससे पहले बलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। 8 करोड़ महिलाओं को गैस का कनेक्शन बांटा गया था, अब 1 करोड़ नए कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। गैस कनेक्शन पूरी तरीके से मुफ्त होंगे, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। पहले सिलेंडर जो दिए गए थे उन सिलेंडर्स का रीफिलिंग भी फ्री किया जाएगा। पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट्स को कम किया गया है जिससे कि ज़्यादा पेपर वर्क में फंसकर कहीं ऐसा ना हो कि योजना का पूरा लाभ लोगों तक ना मिल पाए। तो आज से इस दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत हो रही है महोबा से, उत्तर प्रदेश के महोबा से। अब सवाल ये है कि क्या उज्ज्वला का ये दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाएगा? अब आपको बताते हैं 2017 में उज्ज्वला का योगदान क्या रहा और इसकी जीत का फॉर्मूला क्या रहा, तो आप ज्यादा इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आधी आबादी पर बीजेपी का फोकस गरीब महिलाओं को लुभाने का है, गरीब महिलाओं तक सुविधाएं पहुंचाने का है। सुविधा पहुंचेंगी तो अपने आप वो उस पार्टी के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। चूल्हा सिलेंडर इसका फायदा सीधा सीधा महिलाओं को मिला। अब उज्ज्वला
इसका पहला चरण अगर 312 की कामयाबी यानी 312 के बहुमत के आंकड़े तक बीजेपी को पहुंचा पाया तब आप ये समझिए कि ये दूसरा चरण कहां तक पहुंचाएगा। करीब 1.5 करोड़ कनेक्शन जो है पहले चरण में हुए थे, अब एक बार फिर से ये कनेक्शन जो है वोट कनेक्शन के जरिए भी हम इसे जरा जोड़ लेते हैं। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए, महिलाओं तक फ्री गैस का कनेक्शन पहुंचा देना और गैस की रिफिलिंग करवा देना, इसका सीधा सीधा वोट कनेक्शन नजर आता है। जी हाँ बिल्कुल, और बीजेपी का पुराना जो एक्सपीरियंस है, जब उन्होंने 2016 में ये स्कीम लॉन्च की थी, हमें याद है प्रधानमंत्री मोदी उस समय क्योंकि कोविड नहीं था खुद आए थे बलिया और गैस कनेक्शंस दिए थे महिलाओं को, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया 2017 के चुनाव में। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि चुनाव है, हालांकि पार्टी का ये कहना है कि इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि पहला फेज पूरा हो चुका है और अभी भी यूपी में क्या पूरे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं बची हैं जिनको गैस कनेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए सरकार इसे लेके आ रही है। लेकिन क्योंकि यूपी में चुनाव है इसलिए इसे जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी में मीनाक्षी 11 करोड़ से ज़्यादा आबादी महिलाओं की है और कई जगह ऐसा होता है कि जो महिला कहती है घर में आमतौर पे लोग मान लेते हैं, बहुत जगह नहीं भी मानते लेकिन बहुत जगह मान लेते हैं। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर महिलाओं को अपने पाले में कर लिया तो चुनाव जीतने में आसानी होगी, क्योंकि ऐसे देखने में आपको हमें गैस कनेक्शन छोटी बात लगती है लेकिन खाना तो घर का हर सदस्य खाता है और हर सदस्य की थाली तक रोटी पहुंच रही है, उसमें महिलाओं की राय शामिल है तो जाहिर है उसका इलेक्शन इम्पैक्ट, चुनावी इम्पैक्ट तो जरूर होगा ही। शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका। और इलेक्शन शो में अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां संसद में आज ओबीसी बिल पर चर्चा को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल है। ओबीसी वर्ग को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है, ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार अब राज्य सरकार को मिलने वाला है। लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया है, आज लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होगी और इस बिल के पास हो जाने के बाद राज्य सरकारों को ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वो अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार करेंगे। बिल पास होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा और इसलिए बीजेपी ने आज अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आज चर्चा में शामिल किया जाएगा। यूपी का ओबीसी गणित क्या है, अब ये भी हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ओबीसी कैटेगरी की आबादी उत्तर प्रदेश में आखिर है कितनी और इसमें यादव और गैर यादव कितने हैं। यादवों की बात करें 10%, निषाद के वंशपलदार 7%, कुर्मी और पटेल की आबादी 7%, कुशवाहा सैनी 5%, मौर्य समाज के 4% और लोध समाज के 6% जातियां ओबीसी कैटेगरी में आती हैं। इसमें अन्य जातियां भी शामिल हैं जिनकी संख्या भी 6% है। कई सारी जातियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ओबीसी दाव आखिर बीजेपी का है क्या। उत्तर प्रदेश में ओबीसी करीब 42% हैं, जिनमें से अगर यादव और गैर यादव दोनों जातियों की बात करें तो इसमें 10% अगर यादवों की आबादी है तो गैर यादव वोटर्स की आबादी करीब 29-32% है। यानी वो 10% वोटर तो आप समाजवादी पार्टी का वोटर मांग सकते हैं, लेकिन गैर यादव वोटर जिनकी संख्या 29-32% है ये बीजेपी के पास आ सकती है और ये आई भी है। ये कैसे, ये आंकड़ा हवाई में कोट नहीं कर रही हूं बल्कि इसके पीछे तथ्य है और ये तथ्य है 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव के आंकड़े, जिसमें ओबीसी समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी के पास गया था। अब आप ये देखिए आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं, 2017 में 58% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब उन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के दो लड़के बनकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब 18% वोट बैंक ही उनके पास आया था। मायावती के पास केवल 11% रह गया और बाकी के 13% ओबीसी वोट हमेशा की तरह छोटे छोटे दलों और निर्दलियों के खाते में गए थे। तो ये तो तय हो गया कि ओबीसी के इस दांव को चलकर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का भी साथ मिलने वाला है। लेकिन आज की जो तीसरी बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं जो आ रही है पंजाब से, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को सोनिया गांधी का साथ मिलेगा,
क्योंकि मुलाकात के लिए हर दिन खबर आती है कि मुलाकात होगी, लेकिन क्या आज वाकई में ये मुलाकात होने वाली है? क्योंकि समय तो 12:30 बजे का बताया जा रहा था। आज की इस मुलाकात में कैबिनेट फेरबदल पर सोनिया गांधी से कैप्टन अमरिंदर चर्चा कर सकते हैं। थोड़ी देर में सोनिया गांधी से मुलाकात भी होने वाली है और सिद्धू की ताजपोशी के बाद सोनिया गांधी से यह उनकी पहली मुलाकात हो रही है। हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। हम सीधा उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, बार बार ये बात तो हो रही है कि मुलाकात होगी, मुलाकात होगी, ये मुलाकात कब होगी? देखिए, आज दोपहर 12:30 बजे का टाइम जो है वो है जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह 10 जनपद पर पहुंचेंगे और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये पहली मुलाकात होगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ। अब देखना होगा कि किस तरह की बातचीत जो है दोनों के बीच होती है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह खासा नाराज थे पार्टी के इस फैसले से, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। लेकिन वो नाराज चल रहे हैं, अपनी नाराजगी उन्होंने उस दौरान भी जो है वो बताई थी पार्टी को। बहरहाल आज की इस मीटिंग में काफी सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कैबिनेट विस्तार है और बाकी भी कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पार्टी को वहां पर करने हैं। चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कांग्रेस पार्टी को अपनी कैबिनेट में बैलेंसिंग एक्ट करना है। दलितों को जो है वो फेयर रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, दलित कम्युनिटी को, ये एक बात है जो बार बार, इनफैक्ट जो 3 सदस्य कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी उसमें भी उभर करके सामने आई थी कि 30% से ज्यादा की दलित आबादी है, इसको कांग्रेस पार्टी साधना चाहती है अगले विधानसभा चुनाव से पहले। तो उस मद्देनजर चर्चा जो है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की तैयारी कैसी है, कैबिनेट में किस तरह का फेरबदल जो है वो होना चाहिए ताकि पार्टी जो है एक बैलेंसिंग एक्ट वहां पर पंजाब में कर सके, क्योंकि अभी दोनों जट सिख हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी एक जट सिख हैं। कैप्टन अमरिंदर अपनी ताकत का आकलन भी आज की मुलाकात के बाद और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। विजय लक्ष्मी, आप मुलाकात पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी बुलेटिन में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और इलेक्शन शो में हम आगे आपको दिखाएंगे फूलन देवी के नाम पर समाजवादी पार्टी का क्या है प्लान। देखिए पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले बड़ी खबरें जो सीधा असर डालने वाली है यूपी चुनावों पर। देखिए अब वोट की लड़ाई में फूलन देवी पर बात आ गई है और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने भी फूलन देवी को याद किया और जयंती के बहाने सियासी माइलेज लेने की कोशिश की। तो फूलन देवी की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने सियासी माइलेज लेने की कोशिश की। तमाम अत्याचारों से लड़कर बीहड़ों से निकलते हुए देश की सर्वोच्च पंचायत की सदस्य बनी पूर्व दिवंगत समाजवादी पार्टी सांसद फूलन देवी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धा सुमन। सामाजिक न्याय के लिए आपका संघर्ष हमेशा स्मरणीय रहेगा। इसी खबर के साथ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकिंग न्यूज खबरों का तूफान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।